हालोवीन मगरबी दुनिया में मनाया जाने वाला त्यौहार है, जिसमें गली कूचों, बाजारों, सैरगाहों और दीगर मकामात पर जा बुझा लोग डरावने चेहरों और खौफनाक लिबादों में मलबूस छोटे बड़े भूत और चिड़ैले बनकर चलते फिरते दिखाई देते हैं। अक्सर घरों के बाहर बड़े बड़े कद्दू पेठे नज़र आते हैं, जिन पर हैबतनाक शक्लें तराशी गई होती हैं और इनके अंदर मोमबत्तियाँ जल रही होती हैं। कई घरों के बाहर डरावने ढांचे खड़े कर दिए जाते हैं और उनके करीब से गुजरें तो वो एक खौफनाक कहका लगाकर दिल दहला देते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं हर्फ स्टूडियोज़। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ दूसरों तक पहुँच सके। तारीख दानों का कहना है कि हालोवीन का सुराग कबल मसीह दौर में बरतानिया के इलाके आयरलैंड और शिमाली फ्रांस में मिलता है, जहां सेल्टिक कबाइल हर साल 31 अक्टूबर को यह त्यौहार मनाते थे। उनके रिवाज के मुताबिक नए साल का आगाज़ 1 नवंबर से होता था। मौसमी हालात के बायस इन इलाकों में फसलों की कटाई अक्टूबर के आखिर में ख़त्म हो जाती थी और नवम्बर से सर्द और तारीख दिनों का आगाज़ हो जाता था। सर्दियों को कबाइल मौत के आयाम से भी मंसूब करते थे, क्योंकि अक्सर मौत इसी मौसम में होती थी। कहा जाता है कि अमेरिका में हालोवीन की इब्तिदा 1921 में शिमाली रियासत मिनेसोटा से हुई और इस साल पहली बार शहर की सतह पर यह त्यौहार बनाया गया। फिर रफ्ता रफ्ता 2000 साल पुराना यह त्यौहार अमेरिका के दूसरे कस्बों और शहरों तक फैल गया और फिर इसने कौमी सतह के बड़े त्यौहार और एक बहुत बड़ी कारोबारी सरगर्मी की शक्ल इख्तियार कर ली। कबाइल का कीदा था कि नए साल के शुरू होने से पहले यानी 31 अक्टूबर की रात को जिंदा इंसानों और मरने वालों की रूहों के दरमियान मौजूद सरहद नरम हो जाती है और रूहें दुनिया में आकर इंसानों, माल मवेशियों और फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। रूहों को खुश करने के लिए सेल्टिक कबाइल 31 अक्टूबर की रात आग के बड़े बड़े अलाव रोशन करते थे, अनाज बांटते थे और मवेशियों की कुर्बानी देते थे। इस मौका पर वो जानवरों की खालें पहनते और अपने सरों को जानवरों के सींगों से सजाते थे। इन तमाम निशानियों को जानकर ये तो वाज़े है कि इस त्यौहार के इस्लाम और मुसलमानों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इसके बावजूद मॉडर्निज्म के हामी और वन वर्ल्ड को मानने वाले इस त्यौहार की मुस्लिम दुनिया में हर साल ज़ोरों शोर से पब्लिसिटी कर रहे हैं ताकि माल बनाने के साथ साथ मुसलमानों के लिए शैतानों, बदरूहों, चुड़ैलों, जादूगरने वगैरह के कॉन्सेप्ट को भी नॉर्मलाइज किया जा सके। चंद साल कबल तक ये त्यौहार पाकिस्तान में सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में देखा जाता था, लेकिन कुछ अरसा से यूनिवर्सिटियों में बकायदा इस दिन को मनाया जाने लगा है। बात यहाँ ही ख़त्म नहीं होती, अब तो ये हालात आ गए हैं कि मुसलमानों के मुकद्दस तरीन मकाम यानी सऊदी अरब में ये त्यौहार मनाया जा रहा है और इस साल पहली दफ़ा सऊदीया की सड़कों से नौजवानों को मेकअप करके शैतान, जिन, भूत और जॉम्बिस के रूप में सरेआम घूमते देखा गया, जो कि इन तमाम मुसलमानों के लिए बहुत तकलीफ देह है जो इस पाक सरजमीन से अकीदत रखते हैं। सऊदी अरब में ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे कबल मॉडर्निज्म के नाम पर ख्वातीन को गाड़ी चलाने की इजाज़त दी जा चुकी है, जबकि रियाद में BTS और दीगर मशहूर गुलकारों के कंसर्ट्स के अलावा रेसलिंग मैचेस भी मुनक़द किए जा चुके हैं, जिसमें नामहरम मर्द ख्वातीन को इकट्ठे जाने की इजाज़त थी और ऐसे सियाहती मुकाम का मनसूबा भी बनाया जा चुका है जहाँ दुबई की तर्ज की तमाम खुराफात मैसर होंगी। इन सब बातों को देखकर एक बात तो वाज़े है कि हम उस दौर में जी रहे हैं जो कि फितनों का दौर है और दज्जाल की आमद अब दूर नहीं, जिसके फितनों से अंबिया भी पनाह मांगते थे। अफसोस ये कि हम मुसलमान मॉडर्निज्म और लिबरलिज्म के नाम पर दज्जाल की जानब जाने वाली खाई में गिरते जा रहे हैं और हमें इस बात का इदराक नहीं कि हम अपनी दुनिया के साथ साथ अपने दीन से भी दूर होते जा रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह हमारे मुसलमान हुक्मरानों को अक्ल सलीम अता फरमाए कि वो इन फितनों को जान सकें और इनकी सरपरस्ती की बजाय सरकोबी करें, क्योंकि जहां हमारा किबला है और हमारे आकर दो जहां मदफून हैं, वहां ऐसी खुराफात बिलाशुबा क़यामत की कुर्बत की निशानी है।